समाज में स्वीकार्यता की बात आ रही है, इसके साथ एक और चीज जुड़ा है, परिवार में स्वीकार्यता। चूंकि सबसे बड़ी ये बेहद ही अभी के कठिनाई भरी बात है, ये हम लोग सोच नहीं सकते कि परिवार में स्वीकार्यता नहीं रहती है। इस पर दो किताबें मुख्य रूप से हमारी मदद की। जब मैं किन्नरों की जिंदगी समझने का प्रयास कर रहा था इस इंटरव्यू के पहले, एक तो वो नाला सोपारा और दूसरा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, दोनों में जब प्रवेश का तरीका, अब परिवार पर हम लोग बात चली है तो परिवार को लेकर के आते हैं और समाज को लेकर के आते हैं। नाला सोपारा के अनुसार जैसे ही किन्नर समुदाय को पता चलता है कि कहीं कोई बच्चा किसी परिवार में है, तो उससे जबरदस्ती वो बच्चा छीन करके ले जाते हैं कि ये हमारे समुदाय में पलेगा, ये हमारे समुदाय का है। लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के मामले में ऐसा हुआ कि उनके परिवार ने स्वीकार किया, उन्हें स्वीकार किया, पढ़ाया लिखाया और बहुत ऊंची शिक्षा तक दिलाई। ये बताइए, ये दोनों जो फर्क है, क्या ये अभी प्रथा है कि हम किसी परिवार में अगर पता चले ऐसा बच्चा तो वहाँ जाकर के आप लोग उस बच्चे को जबरदस्ती उठा लाती हैं, या उस तरह कैसे शामिल होता है आपके समुदाय में जब कोई किन्नर शामिल होता है तो उसका उसकी प्रक्रिया क्या होती है? समुदाय में कोई शामिल नहीं होता है, ये समुदाय ये आइडेंटिटी है, ये जेंडर लिबरल आइडेंटिटीज है। कि जेंडर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फ्लूइड शब्द है। सबसे बड़ी बात है कि आइडेंटिटीज मतलब महिला पुरुष की आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी बाय द बायोलॉजिकल बॉडी, लेकिन हमारी पहचान मानसिकता के आधार पर होती है। और यहाँ पे कहीं पे भी जो लोग भी मतलब जिस तरीके से नाला सपोरा में अगर लिखा गया है कि जबरदस्ती लेकर के जाए जाते हैं, तो ये कहीं से भी मान्य नहीं है। कहीं भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी किसी को जबरदस्ती नहीं लेकर के जाती है। और जो लोग बधाई बस्तियां करती हैं, लेकिन हम क्यों बधाई बस्ती ही करें? इसके अलावा बधाई बस्ती हमारी संस्कृति है, वो संस्कृतियां हर समाज में मौजूद हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर एक की मौजूद है। तो हमारी भी संस्कृति मौजूद रहे, लेकिन हमें मुख्य धारा में आने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं? लक्ष्मी के घर वाले उनको स्वीकार किए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हर एक परिवार स्वीकार करे कि मेरा परिवार में कैसे आपके अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि आपके परिवार में इसको लेकर के क्या ये स्थिति बनी और फिर कैसे आपने फील किया और कैसे यहाँ तक पहुँची, संक्षेप में कम से कम परिवार वालों की जो मानसिकता रही और आपको जो झेलना पड़ा। नहीं, हमारे परिवार की मानसिकता की बात नहीं है, हमारे परिवार में स्वीकार्यता है, लेकिन समाज की स्वीकार्यता ही बंधन सबसे बड़ी बात है। अगर किसी का बच्चा जो भी है, बच्चा ट्रांसजेंडर बच्चा है या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग बच्चा है, तो वो इसके लिए उसके लिए मुश्किल का मुद्दा नहीं है। सबसे पहली बात है, जिस समय मेरी एफिमिनिटी या मस्कुलिनिटी जो है, जो बॉडी की पहचान होती है, वो कहीं से भी बाहर जाने पे और अपने आप को सामने लाने पे तुरंत उसका नाम छक्का मौगा लौंडा इस तरीके से सोसाइटी बुलाती है, ना कि उसकी माँ उसे बुलाती है, ना कि उसका फादर उसके बुलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि समाज को सुधरना पड़ेगा तो परिवार की स्वीकार्यता बहुत ही आसान होगी, इसमें कहीं कोई मुश्किलें नहीं है। परिवार थोड़ी ही बातों में समझ जाएगा, क्योंकि अगर कोई विकलांग बच्चा है तो उसे लोग स्वीकार कर रहे हैं, अपने घरों में रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये बच्चों के लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। समाज को स्वीकार करना होगा, समाज को ये टीजिंग अब्यूजिंग और डायरेक्टली हीटिंग सेक्स के लिए उनको ट्वाइस बना करके उनको उपयोग किया जाता है, ये बहुत बड़ी मुश्किलों का समय है। तो क्यों ना हो कि ट्रांसजेंडर बच्चों को समाज स्वीकार करे, परिवार को तो हम कहीं से भी ये नहीं कह सकती कि हमारे परिवार ने अपनी सिर्फ इज्जत के लिए नहीं, समाज में उन्हें खुद समाज के लोग नहीं जीने देते हैं। घर रिश्तेदार आकर के पूछते हैं आपका बच्चा ऐसा क्यों है, उसका फेमिनिन बिहेवियर क्यों है, उसका मैस्कुलिन बिहेवियर क्यों है। तो ये ट्रांसजेंडर पहचान की, अगर कोई लड़की पैंट शर्ट पहन करके बाहर निकलती है तो उसे लोग कहते हैं स्मार्ट लेडी स्मार्ट गाई, लेकिन अगर कोई बच्चा शुरू से बच्चे लड़का है बाय बॉडी लड़का है और वो जैसे ही साड़ी पहन करके बाहर आए तो तुरंत उसको टारगेट लोग करते हैं कि हाँ ये अब ये कुछ नया कुछ करने वाली है, नाचेगी गाएगी या कुछ और करेगी, लेकिन वो नहीं सोच पाएंगे कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ या मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ या मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ कर रही हूँ समाज के लिए। ये समाज कब सोच पाएगा? और इसी की जरूरत है कि वो समझ पाए सोच पाए
अब हमारी जिंदगियों के लिए कि स्वीकार्यता का क्या स्तर हो सकता है हर एक जगहों पे, जैसा आपने कहा कि सभी जगहों पे अब ट्रांस पहचान को रखा जा रहा है, शबनम मौसी को इस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। शबनम मौसी को उस समय सिर्फ इसीलिए सामना करना पड़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो ट्रांसजेंडर पहचान को नहीं ले सकती थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी पहचान कोई भी व्यक्ति रख सकता है, उसे कोई बाध्यता नहीं है। तो इसलिए अभी कानूनी बाध्यताएं तो खत्म हो चुकी हैं, सामाजिक बाध्यताओं को भी सीढ़ी दर सीढ़ी पार करते जाएंगी। एक और सवाल महत्वपूर्ण है, जब प्रथाओं पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, शामिल होने की प्रथा, जैसा कि लक्ष्मी नारायण लेन ने लिखा है कि वो शामिल होने की ये प्रथा होती है, जाकर के वो कोई गुरुजी आप तैयार करना पड़ता है, किसी गुरुजी के टीम में अधीन में वो करके फिर काम करना होता है, ये सामान्य सी प्रथा है, और बदले में साड़ी दी जाती है, वो कपड़े दिए जाते हैं। लेकिन जो प्रथा जिस पर सबसे अधिक अभी आवाज उठ रही है या उठनी चाहिए, खास करके ट्रांसजेंडर समुदाय को खुद ही इस पर काम करना चाहिए, वो है निर्वाण की प्रथा। निर्वाण की प्रथा जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इसमें ये होता है कि किसी भी किन्नर का जो लिंग का शेष हिस्सा होता है, उसके सेक्सुअल पार्ट का, प्राइवेट पार्ट का जो शेष हिस्सा होता है, उसे काट दिया जाता है, और ये काटने का तरीका ये डॉक्टर के पास प्रथा के अनुसार नहीं ये लोग जाती हैं, ये आपस में ही किया जाता है, उसी में कोई एक्सपर्ट बनता है, और वो चूंकि काफी अधिक पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, और 1.5-2-3 महीने तक, जैसा वो लिखती हैं, इसमें एकदम उस इंसान का, उस ट्रांसजेंडर का जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन ये निर्माण प्रक्रिया सबसे अहम प्रक्रिया है और जरूरी शर्त है। निर्वाण में आप लोग क्यों नहीं ऐसा सोचती हैं कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस प्रथा को लेकर के, या ऐसा बनाना चाहिए, या तो फिर इस प्रथा में परिवर्तन हो।